गुरु जी का सत्संग कैसे करें? वो संगत जो अभी नहीं जुड़ी या वो संगत जो जुड़ के भी बहुत दूर है और उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि उन्हें संगत नहीं मिली जो कुछ बता पाए, या वो संगत जो कि बड़े मंदिर तक नहीं आ पाया आज तक, या वो संगत जो अभी आने वाले टाइम में जुड़ेगी। तो संगत जी, गुरु जी के सत्संग में ही, एक सत्संग अगर आप अटेंड करते हैं तो उसी में बड़े बड़े उद्धार हो रहे हैं, तो क्यों ना आप अपने घर में ही डेली सत्संग करिए और गुरु जी की असीम कृपा प्राप्त करते रहिए। क्योंकि जब डेली आपके घर में ही सत्संग होने लग जाएगा तो आपके घर की वाइब्रेशंस बहुत हाई हो जाएंगी, घर में जो भी कलह कलेश है, नेगेटिविटी है, वो दूर हो जाएगी और आपकी लाइफ बहुत स्मूथ और आपके सारे अटके हुए काम भी बनने लग जाएंगे। तो इससे सबसे अच्छा यही है कि आप अपने घर पे ही डेली सत्संग करें। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको सत्संग कैसे करना है। जो नई संगत है जिनको कुछ भी नहीं पता, उनको सबसे पहले गुरु जी का स्वरूप लेना है। स्वरूप आप प्लीज़ कहीं भी सोशल साइट से नहीं खरीदे, क्योंकि अमेजोन पे कई लोग बेच रहे हैं, कई लोग गुरु जी के ग्रुप्स बनाकर उसमें ऐड डालते हैं कि हमसे खरीदिए, क्योंकि खरीदी हुई ब्लेसिंग्स कई नहीं होती। खरीदी हुई कोई भी गुरु जी का स्वरूप आपके घर में ब्लेसिंग के रूप में नहीं आएगा। आप बड़े मंदिर से नहीं ले सकते अगर आप दूर रहते हैं, तो आप किसी संगत से कनेक्टेड हो जाइए। संगत से भी आपको नहीं मिलता अगर, तो आप अभी फिलहाल गूगल से आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, अपने समर्थ अनुसार गुरु जी के चरण भी आप लीजिए, अपने समर्थ के अनुसार अपना फ्रेम कराइए और गुरु नानक देव जी की प्रतिमा और गणेश जी की और शिवजी जी की, ये सारी चीजें आपको अपने घर के मंदिर में या आपको जहां सही लगे आप वहां फ्रेम करके लगाइए या मूर्ति रूप में लीजिए, वो आपकी अपनी इच्छा है। जब ये सब चीजें आपके पास आती हैं तो वहीं पे गुरु जी का आप आसन लगाइए। आसन के लिए या अपने घर की कोई भी चेयर आप जो आम यूज करते हैं उसको भी यूज कर सकते हैं इसके लिए। ऐसा नहीं आपको नई चेयर लेके आनी है या नया सोफा सेट आपको रखना है। आप सोफा, एक सोफा, वन सीटर सोफा या गुरुजी के लिए एक चेयर आप रखिए और उस पर कोई भी अपना नया लिया हुआ सूट या घर से गुरुजी के लिए एक नया कोरा कपड़ा आप बिछाएं और उसके ऊपर आप गुरुजी के लिए कुर्ता लेके आए, जैसे भी रंग का आपको पसंद आता है अपनी पॉकेट के अनुसार, और उस कुर्ते को आप ऐसे सजाएं जैसे कि गुरुजी बैठे हुए हैं, और उनका दुपट्टा सेट करें, उनका कुर्ता पजामा पूरे अच्छे से सेट करने के बाद उनके चरणों के पास आप चरण स्वरूप रख सकते हैं। संगत जी, जब आप ये सब सजा देते हैं गुरुजी को, तो गुरुजी को चंदन का टीका लगाएं और गुरुजी के चेयर आसन के सीधे तरफ और उल्टे तरफ दो आप टेबल रखिए, जो कि अच्छे से कोशिश करिए कि कवर्ड करके अच्छे साफ कपड़े से कवर्ड करिए दोनों साइड, और एक साइड आप गुरुजी की जोत जलाइए देसी घी से, और एक साइड पे आप उनके लिए लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद और जल प्रसाद रख सकते हैं। और अगर आपको गुरबानी और सत्संग कैसे किया जाता है, क्या बजाया जाता है, उसके लिए आप सबसे पहले YouTube पे सर्च करिए गुरुजी एक ओमकार। तो गुरुजी की जो रिकॉर्डिंग है एक ओमकार की, जो कि मूल मंत्र का पाठ है, वो आ जाएगा। और उसके बाद गुरुजी ब्लेस्ड शब्द, क्योंकि गुरुजी ने कुछ सिलेक्टिव शब्दों को ही शब्द गुरबानी को ही बोला था कि यही सुनना चाहिए, क्योंकि उसी में उन्हीं की अपार कृपा है। तो संगत जी वो ही चलाएं। जब आपको वो शब्द गुरबानी भी सर्च करने पे बहुत सारी शब्द गुरबानी खुल जाएगी, और आप उसकी एक रिकॉर्डिंग रेडी करिए और कम से कम एक सवा एक घंटे की आप शब्द गुरबानी चलाने के बाद थर्ड स्टेप है आपका शुक्राना चलाइए। शुक्राना भी आप सर्च करेंगे गुरुजी शुक्राना, तो शुक्राने से भी आपको बहुत सारे शुक्राने मिल जाएंगे गाने के रूप में। तो आप एक शुक्राना उसमें से लेकर आप चलाइए, और उसके बाद मंत्र जाप आप लिखेंगे YouTube पर गुरुजी मंत्र जाप 7 टाइम, तो गुरुजी का मंत्र जाप स्टार्ट हो जाएगा। और मंत्र जाप के एंडिंग में आपको शिव जी की आरती करनी है, जो कि हम इतने आप सबको पता है कि कौन सी शिव जी की आरती है।
ये सब कुछ करने से आपका सत्संग घर बैठे ही हो जाता है। आप जहाँ भी हैं, इंडिया से बाहर रहते हैं, किसी गांव में रहते हैं, आप कहीं भी बैठकर गुरु जी का यह है सत्संग अपने ही घर में बैठ के कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको अगर कोई संगत नहीं मिलती तो घबराने की जरूरत नहीं है। जहाँ गुरु जी का स्वरूप पहुंच जाता है तो वहाँ सारे देवी देवता आपको कृपा देने के लिए, आपको आशीर्वाद देने के लिए गुरु जी के साथ ही आ जाते हैं, आपके घर में विराजमान हो जाते हैं। तो आपको कहीं भटकने की कोई जरूरत नहीं है। दिल में ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं कभी बड़े मंदिर नहीं जा पाया। जब आपके रास्ते खुले, जब आपके सामर्थ्य हो, तब आप बड़े मंदिर भी आइए। वो गुरु जी का आशीर्वाद होगा, वो खुद बुलाएंगे। तो संगत जी, जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे एक ओंकार से, एक ओंकार चलाते ही आप गुरु जी की जोत जला दीजिए। और अगर आपके सामर्थ्य जितनी है आप उतने फूल ले आइए। फूल में आप अगर ज्यादा सामर्थ्य नहीं है तो एक गुलाब भी आप गुरु जी को देते हैं तो वो भी गुरु जी स्वीकार करते हैं, क्योंकि गुरु जी को हमसे सिर्फ प्यार चाहिए। उसके बाद आप जोत जला दी आपने, उसके बाद गुरु जी के लिए जल प्रसाद भर के लाइए। और जल प्रसाद को आप नीचे प्लेट और उसके बीच में गिलास स्टील का, और गिलास के ऊपर आप कुछ ढकने के लिए ढककर स्टील के गिलास को ऊपर फिर कपड़े से ढकिए, क्योंकि किसी भी प्रसाद को ढकना बहुत जरूरी है। क्योंकि गुरुजी और प्रसाद के बीच में आपसी गुरुजी कनेक्शन बनाते हैं, उसमें अपनी शक्तियां डालते हैं। तो भगवान और प्रसाद और भक्त के बीच में एक पर्दा होता है, क्योंकि हमें, हम इंसान हैं, हम उन शक्तियों को आते हुए नहीं देख सकते, तो एक पर्दा जरूरी है। इस वजह से प्रसाद को जरूर ढके, उसमें पर्दा जरूर लगाए। जब आप जल प्रसाद गुरु जी के आगे भरकर रखेंगे दूसरी टेबल पर, एक में जोत जल रही है, दूसरे पे आप जल प्रसाद भर के रखिए। 5 मिनट आप गुरबानी सुनिए, उसके बाद बहुत अदब बहुत सत्कार से गुरु जी को माथा टेकते हुए उठिए और वही जल प्रसाद जो कि आपने स्टील के गिलास में भरा था वो अपनी रसोई में जाकर किसी जग में डाल दें, और उसी जग में से जो जल गुरु जी का था वो डालने के बाद बाकी सारी अपने घर परिवार को सबको बांट दें, तो वो प्रसाद जल प्रसाद बन जाएगा। थोड़ी देर में आप चाय प्रसाद रखिए, 5 मिनट में आप चाय प्रसाद बनाइए। चाय प्रसाद को वही आप हो सके तो स्टील के ही गिलास में डालकर गुरु जी के पास उसी अदब सत्कार के साथ ऊपर और नीचे से अच्छे से ढकने के बाद सर भी आप अपना ढके। साफ सफाई का बहुत ध्यान रखें। ऐसे ही प्रसाद को आप गुरु जी को चाय प्रसाद अर्पित करिए। आपका इच्छा हो तो समोसा प्रसाद भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा हो साथ में तो आप बिस्किट प्रसाद भी रख सकते हैं, अगर आपको लंगर प्रसाद नहीं रखना तो। ऐसे ही 5-10 मिनट के बाद गुरु जी भोग लगा देते हैं। आप फिर अदब सत्कार से गुरु जी को माथा टेकते हुए उठिए, वही चाय प्रसाद आप लेकर रसोई में जाइए। रसोई में आपकी बाकी पतीले में जो चाय बची है उसमें आप मिक्स करिए, और बाकी सब परिवार आप वही चाय प्रसाद को प्रसाद गुरु जी का महाप्रसाद समझ कर सब पी जाइए। उसके बाद अगर आप लंगर प्रसाद बनाते हैं तो कम से कम आप 1 घंटे की गुरबानी चलने दीजिए। 1 घंटे की गुरबानी चलने के बाद आप लंगर प्रसाद की प्लेट लगानी शुरू करिए, और लंगर प्रसाद की प्लेट लगाने के बाद वो भी स्टील के बर्तनों का ही आप इस्तेमाल करें, क्योंकि प्लास्टिक में कभी भूल के भी गुरु जी को भोग नहीं लगाएं, और ना ही बॉन चाइना जानवरों की हड्डियों से बना होता है और प्लास्टिक अपने आप में दूषित होता है, तो स्टील के बर्तन ही बेस्ट बर्तन है। और अगर आपके सामर्थ्य है तो आप सोने चांदी किसी भी बर्तनों में दीजिए, और हम आम इंसान के लिए आप स्टील के बर्तन तो हर घर में है, इसके लिए आपको नए बर्तन भी लाने की जरूरत नहीं है। जिस बर्तनों में आप खाते हैं आप उसी में गुरु जी को भोग लगा सकते हैं, बशर्ते बहुत ही साफ सफाई होनी चाहिए। साफ सफाई का ध्यान रखें संगत जी, और डिसिप्लिन का भी आप ध्यान रखें। जब आप सत्संग कर रहे हैं तो किसी का फोन ना उठाएं, ना ही किसी को करें। उस दौरान अपना फोन को आप फ्लाइट मोड पे डाल दें, और अपने घर परिवार को भी बोल दें कि आप उस टाइम पे किसी से बात ना करें, क्योंकि आपका किया हुआ पुण्य आप जिससे बात करें उस पे चला जाएगा। ये गुरु जी के द्वारा कहे हुए शब्द हैं। तो
एक सवा घंटे की गुरबानी चलने के बाद जब आपने गुरुजी के लिए लंगर प्रसाद की थाली सजाकर अच्छे से ऊपर नीचे से ढककर गुरुजी को अर्पित करिए और गुरुजी के लिए 10 मिनट रुकिए, वहीं पर बैठिए, गुरबानी सुनिए और जब 10 मिनट बाद भोग लग जाए तो आप उसी लंगर प्रसाद को अपने घर में जो सब्जी जहाँ बनाई थी सब में मिक्स करके, रोटी प्रसाद में मिक्स कर आप सारी संगत में अपने या घर परिवार में कर रहे हैं तो घर परिवार में बांट दें। लंगर प्रसाद में आप एक सब्जी भी बना सकते हैं, आप कोई दो सब्जी भी बना सकते हैं, आप दाल ले लीजिए या कोई सूखी सब्जी या एक लिक्विड तरी वाली सब्जी बना सकते हैं। कड़ा प्रसाद बनाना बहुत ज़रूरी है संगत जी, ये महाप्रसाद बोला गया है। अगर आपको कड़ा प्रसाद नहीं बनाना आता, जो गुरुद्वारे में कड़ा प्रसाद बनता है वो कड़ा प्रसाद आपको स्टार्टिंग में ही रख देना है। आप YouTube में रेसिपी देख सकते हैं कड़ा प्रसाद की, देसी घी से बनता है, आटे से बनता है, चीनी चाहिए आपको उसके लिए। अच्छे से भूनकर आटे को, घी डालने के बाद पहले आटे को अच्छे से भुने, भुनने के बाद उसके बाद उसमें आप चीनी डाल दें या आप पानी में उबालकर चीनी को, वो पानी भी डाल सकते हैं। पानी बहुत बहुत ज़्यादा पानी मत लीजिए और भूनने के बाद जब वो पानी या चीनी डायरेक्ट आप जब डाल देते हैं तो एकदम से वो सूखने लग जाएगा। और जैसे जैसे आप करछी चलाते जाएंगे, करछी आपको कंटिन्यूस चलानी है, जैसे जैसे चलाते जाए वैसे वैसे सूखता जाएगा और ये आपका कड़ा प्रसाद तैयार हो जाएगा। और उसके बाद एंड में जब शुक्राना हो जाए, मंत्र जाप हो जाए और एंड में आपको शिव जी जी की आरती करनी है, शिव जी जी की आरती करने के लिए पहले से प्लेट बना के रखें जिसमें एक जोत जला, जोत घी भरकर बाती बना के रखें, हो सके तो फूलों से सजा दें प्लेट को, हो सके तो ड्राई फ्रूट से सजा दें, हो सके तो टॉफी से सजा दें, वो आपका मन या आपके पास नहीं है कुछ भी तो आप ऐसे भी आरती कर सकते हैं। एंड में आरती करने के बाद आप सब घर परिवार वाले सब उसी लंगर को जो गुरुजी के द्वारा भोग लगाया गया था उसे प्रसाद के रूप में आप खा लीजिए और उसके बाद बार बार उस प्रसाद को गर्म कर करके ना खाएं। अगर बच जाए तो आप बाहर किसी को भी प्रसाद ये खिला सकते हैं, किसी गरीब को प्रसाद खिला सकते हैं या अपने किसी रिश्तेदारों को प्रसाद के रूप में दे सकते हैं। उतना ही बनाएं जितना आप उसी टाइम खा लें, बचता है तो आप किसी न किसी को बांट दें, दोबारा गर्म ना करें। तो बहुत ही आसान है गुरु जी का सत्संग घर पे करने के लिए। संगत जी आप अपने घर पे सत्संग करना शुरू करिए। गुरु जी ने बोला जब भी आप सत्संग करें वही अमृत वेला है। अमृत वेला तो वैसे बहुत ऊंचा, बहुत ही हाईली वाइब्रेटेड टाइम होता है अमृत वेला, जब भगवानों का टाइम होता है। लेकिन आप जिस टाइम कर पाए, सुबह शाम दोपहर रात जब भी आपको टाइम मिले आप उसी टाइम, अमृत वेला है ये, गुरुजी के द्वारा कहे गए शब्द हैं। हमारी जिंदगी वैसे ही बहुत हम व्यस्त होते हैं तो इसलिए गुरुजी ने हमें बहुत इजी लाइफ और इजी ब्लेसिंग्स देने के रास्ते बताए हैं। तो संगत जी आप अपने घर में सत्संग करिए और उसके बाद देखिए गुरुजी की असीम कृपा, असीम ब्लेसिंग्स आपके घर में घर तक ही आएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।